दुनिया के आर्थिक विकास पर नज़र रखने वाली संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार वर्ष 2019 से 2035 के बीच भारत के कई शहर सबसे तेजी से विकसित करेंगे। तो आइए उन शहरों के बारे में थोड़ा जानते हैं। आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा, जो कि कनक दुर्गा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इस सूची में 10वें नंबर पर है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.16% आंकी गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई इस सूची में 9वें नंबर पर है। भारत के 4 प्रमुख महानगरों में केवल चेन्नई को इस सूची में स्थान मिला है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.17% आंकी गई है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध तिरुचिरापल्ली इस सूची में 8वें स्थान पर है। यह शहर भी तमिलनाडु में है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.29% आंकी गई है। राजकोट शहर गुजरात राज्य में स्थित है। यह शहर इस सूची में 7वें नंबर पर स्थान काबिज करने में सफल हुआ है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.33% आंकी गई है। तमिलनाडु का 5वां सबसे बड़ा नगरीय आबादी वाला शहर तिरुपुर इस सूची में 6ठे स्थान पर है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.36% आंकी गई है। अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध नागपुर महाराष्ट्र राज्य में है और इस सूची में इस शहर को 5वां स्थान मिला है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.41% आंकी गई है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, जो चार मीनार, आईटी सेक्टर और अपनी बिरयानी के लिए मशहूर है, इस सूची में 4थे नंबर पर है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.47% मानी गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो कि भारत की हाईटेक इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु है, उसे इस सूची में 3रा स्थान मिला है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.5% होगी। ताज नगरी आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उसको इस सूची में 2रा स्थान मिला है। इस शहर की अनुमानित सालाना वृद्धि दर 8.57% आंकी गई है। गुजरात राज्य में बसा सूरत अपने हीरा कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अगले 15 साल में भारत में सबसे तेजी से आर्थिक वृद्धि करने वाला शहर होगा। इसकी अनुमानित वृद्धि दर 9.17% होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।